August 16, 1947. And before I talk about it, I'd like to welcome you on behalf of A.R. Murugadas Production and Purple Bull Entertainment. Ladies and gentlemen, come on, give yourselves a big round of applause. हो सकता है थोड़ा सीरियस हो जाए, आजादी, स्वतंत्रता, यू नो, फ्रीडम. जब भी इन शब्दों को हम सुनते हैं, एवरी सिंगल टाइम द ओनली थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज हैप्पीनेस. फेस्टिव वाली फीलिंग आती है. लेकिन एवरी टाइम यू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स या किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं तो उनका एक ही फंडा होता है, तुमको क्या पता आजादी क्या है यार, है ना? आजादी हमको पता है. एंड स्पेशली दोज हु वर बॉर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, उनको लगता है हम सब आजादी को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. लेकिन आजादी हमको तो जैसे तैसे मिल गई. लेकिन अगस्त 16, 1947 को एक जगह ऐसी थी जहां लोगों को आजादी नहीं मिली थी. दे वर कंपेल्ड टू इवन यू नो सीक परमिशन टू गो टू द टॉयलेट्स. ऐसे बुरे हाल थे उन सबके कि उनको पानी भी अपनी प्यास के हिसाब से नहीं पीते थे वो. यू नो दे हैड टू सीक दिस परमिशन, यू नो, किसी एक रूलर से, किसी एक बड़े रूथलेस से इंसान से दे हैड टू सीक परमिशन टू इवन क्वेंच द थर्स्ट. और ये हो रहा था हमारे आजाद भारत में. आई थिंक इट्स अ बोल्ड स्टेप ऑन बिहाफ ऑफ यू नो द एंटायर कंट्री. आई वुड लाइक टू थैंक एआर मुरुगदास साहब दैट ही पुट हिज फेथ इन दिस सब्जेक्ट एंड पवन कुमार साहब हुज डायरेक्टेड दिस वंडरफुल मास्टरपीस, बिकॉज ये कहानी सुनाना आसान नहीं था. गिव इट अप फॉर दिस अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन.